और अब खबर असम से, जहां पर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिन्हें देखकर आपको सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस पुल का उद्घाटन किया था, उस पुल पर लोग गाड़ियां रोककर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी यहां ऐसा हादसा हुआ जिसमें एक बच्चा तेज रफ्तार से जाती कार से टकरा गया। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इस पुल पर जो कुछ हुआ है उससे आपको सबक लेने की जरूरत है। इस पुल पर जो कुछ होता है उससे ये हम जरूर कहेंगे कि सड़क पर रहे सावधान, बचाएं अपने बच्चों की जान, क्योंकि ये देश के हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर है। ये वही पुल है जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह है असम का गोगी बिल ब्रिज। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार से ये कार जा रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जो कुछ होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। देखिए, कार के अंदर लगे कैमरे में ये सब कुछ दर्ज हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक 7 साल का बच्चा दौड़ते हुए इस पुल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक इस बच्चे की इस कार से टक्कर हो जाती है। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना है। ये खबर सावधान करने वाली इसलिए है क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई लोग पुल पर गाड़ियां रोककर खड़े हैं। आमतौर पर लोग पुल पर गाड़ियां रोककर खड़े हो जाते हैं। पुल पर गाड़ियां रोकना कितना घातक साबित हो सकता है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सावधान हो जाइए और सड़क पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। हेमंत शर्मा, गोगी बिल, असम आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।